धर्म स्नेही बंधु हो। एक राजा था, उसे पेंटिंग का बड़ा शौक था। सारी जगह के चित्रकार बुलाए, चित्रकारी के लिए परीक्षा ली। दो चित्रकार पास हुए, दोनों से कहा कि चलो अपनी अपनी कला दिखाओ। दो दीवाल आमने सामने की दो दीवाल दे दी गई, बीच में पर्दा डाल दिया गया ताकि एक दूसरे को देख ना सकें, कॉपी ना कर सकें, या जो भी भटके ना एक दूसरे को देख करके। तो बीच में पर्दा डाल दिया गया, 6 महीने का समय दे दिया गया। एक चित्रकार ने खूब मेहनत करी, तरह तरह के रंग लेकर आया, तरह तरह के ब्रश लेकर के आया, बड़े जो रत्नों के कलर होते ना, पहले रत्नों के कलर होते थे, जो रत्न होते थे उसको घिसते थे और उसमें जो कुछ भी मिलाते हों और फिर उससे पेंटिंग करते थे, तो वो स्थायी और हमेशा के लिए हो जाती थी। हजारों वर्षों तक वो कलर फीका नहीं पड़ता था। आजकल तो वो बड़ा मामला, समझ गए आप। तो वो उस बढ़िया बढ़िया रत्न खरीद के लाया, बढ़िया बढ़िया कलर किए, बड़ा खर्चा किया, बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी और उसने बड़ा सुंदर चित्र बनाया। दूसरा वाला जो कलाकार था, उसने ना तो कलर लाया, ना ब्रश लाया, ना उसने मेहनत करी। उसने एक ही मेहनत करी कि उसका जो पत्थर था उसको वो चमकाता रहा। क्या करता रहा? चमकाता रहा, और इतना चमकाया कि वो पत्थर आईना बन गया। क्या बन गया? आईना बन गया। 6 महीने की अवधि पूरी हुई, पर्दे को हटाया, राजा ने दोनों के चित्र देखने के लिए कि भाई किसका बढ़िया है, इधर देखा, ठीक है, अच्छा लग रहा है, इधर देखा, अरे ये तो और अच्छा लग रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या जो आईना था, आईने में चित्र ज्यादा सुंदर लगते हैं। कभी आपने देखा हो, आप अपनी फोटो देखो और वही फोटो वीडियो में देखो, कभी कभी वीडियो की फोटो ज्यादा अच्छी लगेगी, इतने अच्छे होते नहीं है, फोटो ज्यादा अच्छी आती है, ऐसा है कि नहीं है? आजकल तो और बढ़िया बढ़िया वाले कैमरा चल गए हैं, उसमें आपके ओंठ भले गुलाबी ना हो, उसमें गुलाबी दिखते हैं, आपके गाल गुलाबी दिखते हैं, इस तरह के कैमरे चल गए हैं। तो बस यही कलाकारी यहाँ थी कि उसने पूरा मिरर बना दिया, और उसने कितनी मेहनत करी, कितना रंग लाया, कितने रत्न लाए, कितना खर्चा किया। तो आप किसको कहोगे कि बुद्धिमान है? आईने वाले को। देख लो, सोच लो, कहीं दूसरा वाला आप तो नहीं हो। अब आपने दृष्टांत तो सुन लिया, बस यही तो दिक्कत है कि दृष्टांत से दाष्टांत नहीं निकालते हैं। दृष्टांत दिए जाते हैं किसी ना किसी बात को समझाने के लिए। दृष्टांत को तो पकड़ लेते हैं और जो समझने की बात होती है वो पता ही नहीं होती कि उसमें हमने क्या, अब आप ही विचार करोगे इसमें क्या निकल रहा है। अब आपको बता दो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा इष्टोपदेश ग्रंथ में जो ये श्लोक चल रहा है, किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेष विशेष्यन् और स्वदेहमपि नावेति योगी योग परायणा। ये क्या है, ये कैसा है, ये किसका है, ये क्यों है, ये किस कारण से है? किसी भी वस्तु को जानने के लिए इतने प्रश्न तो किए जाते हैं ना, किए जाते हैं, तभी उस वस्तु की व्याख्या होती है।
और जब वस्तु की व्याख्या होती तब आपको वस्तु समझ में आती है। तो आपने बचपन से लेके आज तक कितने प्रश्न कर दिए? जब आप छोटे थे तब ज़्यादा प्रश्न करते थे, है ना, मम्मी ये ऐसा क्यों है, मम्मी वो वैसा क्यों है, ये क्यों होता है, ये पंखा कैसे चलता है, इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें माताजी ने पिच्छी क्यों रखी हुई है, ये कमंडल क्यों रखा हुआ है, ये मुकुट क्यों लगाया हुआ है, ये धोती क्यों पहनी हुई है, बड़े प्रश्न होते हैं बच्चों के मन में, लेकिन आपके मन में नहीं है। क्यों? आप समझ गए, आपको वो बातें समझ में आ चुकी हैं, इसलिए आपके मन में प्रश्न नहीं है। पहले तो एक बार तो जब मैं बहुत छोटी थी तो एक मेरे मन में बड़ा ख्याल आता था, अरे ये कढ़ी कैसे बन जाती है, बेसन से कढ़ी इतनी बढ़िया कैसे बन जाती है, बेसन तो इतना बढ़िया होता नहीं है, कढ़ी इतनी बढ़िया कैसे बन जाती है। देखा तो बड़ा बड़ी सीधी सी बात थी, घोल घाल के डाल दिया। क्या है, क्या किया भाई, MP में घोलने वाली चीज ज्यादा खाई जाती है, आटा को घोल के लचका बना दिया है, बेसन को घोल के कढ़ी बना दी, बेसन को अजवाइन में घोल दिया तो पतोड़ बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या घोल घोल के सारा काम घोल हो जाता है। हाँ, लपटा। एक बार तो बड़ी बड़ी हंसी वाली बात बताऊं आपको, संग में एक पारस भूषण माता जी थी, तो मैं और वो आहार करने पास पास बैठे हुए थे। अब जहाँ पर आहार हो रहा था वो ऐसा देश था कि ऐसा प्रदेश था कि वहाँ लपटा नाम की चीज़ को जानते नहीं थे, MP वाले ही जानते लपटा, तो लपेट लो। अब उनके पास थाली आई तो उनने बताया ये सब्जी है, ये दाल है, ये लफड़ा है। अब वो हंसने लगी, मैं भी हंसने लगी, क्योंकि उन्हें लपटा को लफड़ा बोल दिया। हाँ, कहीं UP में जाके कहो लचका, बोले ये क्या है लचका। तो बात चले दृष्टांत से दाष्टांत निकालने के, कि दाष्टांत उसका कैसे सिद्ध करें कि ये उदाहरण क्यों दिया गया है, कहानियों के माध्यम से समझाया जाता है। तो जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये श्लोक कहा है, कैसा है, क्यों है, किस लिए है, किस कारण से है, तो इसके लिए ये बताया है कि संसारी प्राणी बाहर की तरफ खूब मेहनत करता है, जानने के लिए खूब प्रयास करता है, इतना प्रयास करता है कि सारी जिंदगी लगा देता है और फिर भी नहीं जान पाता है। योगी योग परायणा, लेकिन योगी जो होता है, जो साधक होता है, जो मुनि होता है, वो अपनी आत्मा से कर्मों को निकालने का प्रयास करते हैं, वो आत्मा को साफ करने का प्रयास करते हैं, और जब कर्म साफ हो जाते हैं तो केवल ज्ञान हो जाता है, और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो ये सारा संसार उसमें अपने आप झलकने लगता है। बाहर को जानने का प्रयास करोगे नहीं जान पाओगे, अपने आप को जानने का प्रयास करोगे सब कुछ अपने आप जाना जाएगा। अब तो समझ में आ गई ना, अब क्या करोगे, समझ में आ गई ना, अरे बोलिए ना, क्या करोगे अब, बाहर की सफाई करोगे अंदर की सफाई करोगे, कौन कौन करेगा अंदर की जरा देख तो लूं, क्या करोगे? आत्मस्वरूप को जानने के, और जिसने खुद को जान लिया, जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते, मेरी भावना ये जीते शब्द मैंने इसको यहां लगा दिया है, जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते उसने सब जग जान लिया। जिसने राग को छोड़ दिया, बाहर से राग छोड़ दिया, बाहर से द्वेष छोड़ दिया, और अपने आप को जानने का प्रयास किया, उसने सब कुछ जान लिया। और जिसने बाहर को जानने का प्रयास किया वो नमो सिद्धारम हो गया, ना जान पाया। क्यों? अभी जो जाना है, अभी आपको पढ़ना आता है, अरे बोलिए ना, काखा गा आता है, आता है ये, फिर इसके बाद ये शरीर की तो उम्र है, आत्मा को तो जाना पड़ेगा ना, फिर अगले जन्म में जाएंगे, वहाँ फिर क्या आपको याद रहेगा, अरे बोलिए ना, फिर शुरू से काखा का शुरू करो, फिर बचपन हुआ, फिर स्कूल जाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर कमाई करो, फिर नमो सिद्धारम, फिर अगले जन्म में फिर वो ही करो,
लेकिन यदि अंदर की सफाई कर ली एक बार तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर को कितना जान लेना कभी संपूर्ण होने वाला नहीं है, और खुद को जान लेना तो दूसरे को जानने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं, योगी योग परायणा। जो योगी होता है वो बाहर की चीजों को जानने का प्रयास नहीं करता, ना अखबार, ना टीवी, ना मोबाइल, ना न्यूज, ना किसी से सुनता है। कोई खबर सुनाता भाई रहने दे, कई बार तो मुझे मना करना पड़ता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि सामने वाले को कैसे विस्मय किया जाए, ओहो ऐसा हो गया, तो ऐसी ऐसी खबर सुनाते हैं मतलब जिसमें एकदम अटैक सा पड़ जाए, एकदम सुन्न रह जाए आदमी सुन के, अरे वहाँ आग लग गई, 100 लोग मर गए। अच्छा, तो मैंने तो कई लोगों को मना किया, मुझे ऐसी खबर मत सुनाया करो, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे समाचार सुनाने की। मैंने कई बार लोगों को मना किया कि जिन समाचारों से मेरे मन में खेद, क्लेश, कष्ट पैदा हो, मेरी शांति भंग हो, मुझे ऐसे समाचार सुनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कई बार मना किया, कई लोगों की आदत होती, अब माता जी से बात करनी, क्या बात करें, अब क्या बात करें, उनके पास धर्म चर्चा तो है नहीं है, ज्ञान तो है नहीं उनके पास धर्म का ना आत्मा का, और बोलना माता जी से जरूर है, तो अब बात क्या बची, तो वही तुम्हारे पुराने सुराने घटनाओं के समाचार, वही घटनाएं हमें सुनानी शुरू कर देते। मैंने मना, मुझे मत सुनाना आज के बाद, क्लेश पैदा होता है, कष्ट होता है। जितने जितने हम बाहर जितनी शक्ति हम बाहर की जानकारी लेने में खर्च कर रहे हैं, इतनी शक्ति यदि अपनी आत्मा को जानने में खर्च करेंगे तो बहुत कुछ रिजल्ट मिल जाएगा इस जीवन से। हमने यदि किसी को जान भी लिया तो हमें क्या मिला, क्या मिला हमें बताइए। माता जी आप हमें जानती हो, आप हमारे यहाँ 10 साल पहले आई थी, अरे भैया तुम्हें याद रखें कि भगवान को याद रखें, बड़े लोग बड़े पहचान जाओ ना तो बड़े खुश होते हैं, ओहो माता जी की मेमोरी तो बहुत बढ़िया है, माता जी ने देखो एक बार में पहचान लिया। अब वो पहचान लिया वो अचानक की बात है कि तुम मेरे दिमाग में रह गई, लेकिन ना रहो वो ज्यादा अच्छा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ना रहो। और कभी साधु पर प्रेशर मत डालो कि हमें याद रखना, भूलना मत प्रेशर। एक बार तो एक व्यक्ति नाराज हो गए, बोले माता जी बताओ मेरा जन्मदिन कब आता है। तो मैंने कहा भाई मुझे भगवान के पूरे जन्म कल्याणा की याद नहीं है, मुझे तुम्हारा जन्मदिन कैसे याद रहेगा। वो तो नाराज हो गया, आपको तो इतना भी याद नहीं रहता, आप मुझे क्या, मुझे तो मेरी तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं रहता। और तुम्हारा ध्यान करेंगे तो भगवान का ध्यान कब करेंगे, ध्यान किसका करने के लिए निकले हैं। अरे बोलिए ना, किसका ध्यान करने निकले हैं, भक्तों का ध्यान करने निकले या भगवान का ध्यान करने निकले। हम तुम्हें याद रखें तो गड़बड़, और तुम हमें याद ना रखो तो गड़बड़। तो बंधुओं जितना समय, जितनी शक्ति, जितने विचार हम बाहर की जानकारी लेने में खर्च कर रहे हैं, उतना स्वाध्याय करके खुद को हम याद करने में बैठ जाएं, खुद को ध्यान करने में लगा दें, तो जीवन में बहुत 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 बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। इतनी बड़ी उपलब्धि होगी कि आपके आने वाले जो भाव हैं वो सुधर जाएंगे। आने वालों भावों को सुधारना है तो संसार को नहीं, खुद को याद करो। किसको, खुद मतलब शरीर नहीं। क्या लिखा, स्वदेहमपि नावेति। जो योगी होता है वो अपने शरीर को भी भूल जाता है। योगी क्या करते हैं, अपने शरीर को भी भूल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, अपने शरीर को भी भूल जाते हैं। किसको याद रखते हैं, एक अपनी आत्मा को। तत्व चिंतन, स्वाध्याय, संयम, बस इसी में लगे रहते हैं। ये है जीवन का रिजल्ट। खूब अच्छा खिला लिया शरीर को, खूब अच्छा पिला दिया, खूब अच्छा गहने पहना दिए, खूब अच्छे सारे काम कर लिए, घूम लिए, घुमा दिया, इसको बढ़िया एसी में बिठा लिया, इसको कूलर में बिठा लिया, ये रिजल्ट नहीं है जीवन का।
आत्मा के स्तर की जिंदगी जीना इस जीवन का सबसे बड़ा रिजल्ट है। अभी कौन सी जिंदगी जी रहे हो, शरीर के स्तर की आत्मा के स्तर की? अरे बोलिए ना, शरीर के स्तर की। तो कुछ रिजल्ट मिलेगा शरीर के स्तर पर जिएंगे तो? हैं, शरीर को आपने अच्छी अच्छी साबुनों से नहलाया, कोई रिजल्ट? किसी ने आपकी तारीफ करी, क्या भाई साहब कितने बढ़िया साबुन लगाते हैं आप? किसी ने तारीफ करी आपकी? नहीं करी। आपने बढ़िया सा चश्मा लगा लिया, किसी ने तारीफ करी आपकी? नहीं करी। आपने बढ़िया बाल काले कर लिए तो किसी ने आपको बड़ा मतलब कोई रिजल्ट दिया कि आप तो बस इस बाल के ही कारण आपकी कीमत है, यदि आपके सिर पर काले बाल ना हो तो आपकी तो कीमत ही नहीं है, कभी किसी ने ऐसा कहा क्या? अरे बोलिए ना, अरे आप तो बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते ना, इसीलिए आपकी कीमत है, बढ़िया आपकी कोई कीमत नहीं है, ऐसा किसी ने कहा क्या? नहीं कहा। किसी के स्वभाव बहुत अच्छा है, गुण बहुत है उसके अंदर, धर्म बहुत अच्छा करता है, भले कपड़े अच्छे नहीं पहनता है, सिर पे काले बाल भी नहीं है, कीमत है या नहीं है? मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, यदि आपको मालूम है तो क्या करना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है फिर क्या करना है? नहीं, हो सकता है, हो सकता है हमें अपने आप को दृढ़ करना होगा, हमें स्वाध्याय से खुद को जोड़ना होगा, हमें स्वाध्याय में जैसा लिखा है वैसा करने का प्रयास करना होगा, हमें दूसरे की तरफ से नजर हटा करके खुद की तरफ लानी होगी, फिर देखो क्या नहीं हो सकता। जब भगवान का जो भूतकाल है ना, भगवान जो थे वो पहले कैसे थे? वो आपकी तरह तो थे कि नहीं थे? भगवान पहले आपकी तरह थे, लेकिन उन्होंने पर से दृष्टि हटाई, खुद में लगाई, भगवान बन गए। मैं घर छोड़ने नहीं कह रही, लेकिन आत्मा की तरफ दृष्टि रहे, जैसे भरत चक्रवर्ती रहते थे, घर में रहते थे, सोना भी पहनते थे, चांदी भी पहनते थे, सब कुछ करते थे, उसके बाद भी दृष्टि कहाँ थी? आत्मा में थी। दृष्टि कहाँ थी? आत्मा में थी। तो क्या ऐसा बन सकते हो? अरे बोलिए ना, बन सकते हो, बनने का प्रयास करना। ठीक है, तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई, चलिए फिर समाप्त करो। मैं तीन चीजें बोलूंगी और बोलूं? अरे नहीं, घर जाके सुन लेना ना, आपके घर आके सुना दूंगी। मैं तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आपके यहाँ आने का, साधुओं में कमंडल का, शहरों में महिला मंडल का, और भगवान के भामंडल का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का, बड़ा ही महत्व है, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में पिंडरई का, बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए, क्या धौलपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में धौलपुर का, बड़ा ही महत्व है, घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में गंज वासौदा का, बड़ा ही महत्व है, जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जबलपुर का, बड़ा ही महत्व है, छतरपुर, कामा, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, आने वालों में कामा का, बड़ा ही महत्व है, छतरपुर, छतरपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में छतरपुर, और एक और पुर बता रहे थे, एक पुर बता रहे थे कोई सा, जयपुर, जगदलपुर, छतरपुर का बड़ा ही महत्व है, सनावद, धलौद, अब इनके ओठों का आकार से समझ में नहीं आ रही बोल क्या रही है, मेहरौनी, अच्छा
क्षेत्रों में कोनी का, बाबा में मौनी का और आने वालों में मेहरौनी का बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। होने में गदगद का और सरस्वती मंत्र में बदवद का और आने वालों में सनावद का बड़ा ही महत्व है। हेरनी, शेरनी, हेरनी, अच्छा, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का और आने वालों में हेरनी का बड़ा ही महत्व। हेरनी का चित्तौड़, पशुओं में चित्तौड़ है, अच्छा, मनुष्यों में दौड़ का, रस्तों में मोड़ का और आने वालों में चित्तौड़ का बड़ा ही महत्व है। मंडावरा, रंगों में हरा का, ढांकने में परा का और आने वालों में मंडावरा का बड़ा ही महत्व है। बैरागढ़, वृक्षों में बड़ का और नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में बैरागढ़ का बड़ा ही महत्व है। खाते गांव, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, आने वालों में खाते गांव का बड़ा ही महत्व है। इंदौर, आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। दूधू, अच्छा, मनुष्यों में जादू का, मेवे में काजू का और आने वालों में दूधू का लाडनू, तो आपने तो भी लाड नुई, अच्छा, लाड कुई, अच्छा, सुई लगाने पर उई का, सुई लगाने पर उई का, उई बोलते ना उई, हाँ, सुई लगाने पर उई का और छोटी छोटी कुई का और आने वालों में लाड कुई का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चल्ले में डगर का, आने वालों में विजयनगर का बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में जयपुर मानसरोवर का बड़ा ही महत्व है। पानी में डगर का, चलने में, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में विजयनगर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, जयपुर वाले पूछ रहे थे, हाँ, हृदय में, हाँ, मैंने पूछा था पहले, गाने में सुर का और शरीर में उर का और आने वालों में ललितपुर का बड़ा ही महत्व है। और भूल गई थी कि वो ललितपुर की है, अब याद आई है मैं, भारत का होता दीजिए मतलब, हाँ, अब भूल गई, मैं कह रही ना, भूल गई थी वो, अच्छा, पीहर का पूछा है क्या, दोनों का पूछ लिया, क्या बात, देखो महिला तो एक, दोनों हाथ में लड्डू रहते हैं उनके, एक ससुराल एक पीहर, दोनों को खुश करके रखती हूँ, उनको भी और उनको भी। श्रावस बगली, अच्छा, सारस, सारस बगली, अच्छा, गांव में गली का और होने में बली का और आने वालों में सारस बगली का बड़ा ही अच्छा लगा। मैं 5 साल पहले आई थी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक रूम में भगवान जी विराजमान थे। अभी 5 साल बाद आके देखा तो इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा यहाँ आके, मैं व्यक्त ही नहीं कर पा रही हूँ। और माता जी मेरे परिवार से हैं, बड़ी माता जी, छोटी माता जी, गृहस्थ अवस्था की, मतलब मेरी बुआ जी हैं छोटी माता जी, और बड़ी माता जी मेरी बुआ की बेटी हैं। मध्य प्रदेश से आए हैं और बहुत दिनों से लालसा थी कि कब जहाजपुर के दर्शन कर लें और माता जी के भी दर्शन करें। जहाजपुर में विराजमान श्री मुंशवता भगवान जो बहुत ही चमत्कारी हैं, उनके बारे में रोज माता जी के मुखारविंद से हम लोग टीवी पर देखते, बराबर देखते आ रहे हैं, और बड़े मुश्किल से इस सौभाग्य हम लोगों को आज मिल पाया जब हम लोग कल जहाजपुर में आए और आज भगवान के सिर पर कलश करके अपने आप को धन्य माना। और जहाजपुर आके हम लोग बहुत गदगद हुए, इतना अच्छा माता जी ने यहाँ पे पूरी संरचना की है, उसको देख के तो कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। माता जी के भी प्रवचन सुन के हम लोग बहुत धन्य हुए। माता जी ने कहा
कि अपने आत्मा के बारे में विचार करो, अपने शरीर पे ध्यान ना दें। इस प्रकार से उन्होंने उद्गार व्यक्त किए और बहुत बहुत हम लोग प्रसन्न हुए और आगे भी सोचते हैं कि कम से कम साल में एक बार तो कम से कम निश्चित ही आके माता जी के और भगवान के दर्शन करने का हम लोग को लाभ मिल सके। जी की लिखी पूजा उस जयमाल में जब हमने पढ़ा कि शासन के द्वारा मूर्ति उठी नहीं और अपन लोगों का सौभाग्य था कि अपन को पूजा करने को मिलना होगी, माता जी का निमित्त रहा और भगवान विराजमान हुए, हमें पूजा करने को मिली, आज बहुत धन्य हो गए हम। और हम हमेशा सोचते थे कि माता जी के दर्शन करने जाएंगे, आज साक्षात दर्शन हो गए और हम इस भावना उठाते हैं कि हर साल हमें आने का यहाँ सौभाग्य मिले, क्योंकि बिना निमित्त तो बिना सौभाग्य के आना मुश्किल है। और माता जी का आशीर्वाद, माता जी से आशीर्वाद चाहते हैं कि मैं हर साल यहाँ आऊँ, उन्होंने सुब्रतनाथ के दर्शन करूँ। पिंडरई ग्राम से यहाँ जहाजपुर में आया हूँ, इसके पहले मैं 5 साल पहले जहाजपुर आया था और माँ स्वस्ति भूषण माता जी मेरी गृहस्थ बुआ जी की लड़की हैं और मेरी बहन है, लेकिन आज उन्होंने जो अपने तप के माध्यम से जो उपलब्धि पाई है, मैं उससे देख करके धन्य धन्य हो जाता हूँ। हमेशा माँ स्वस्ति भूषण का आशीर्वाद, माँ परम पूज्य 1008 मुनिसुभद्रनाथ भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार के साथ रहा है, हमेशा हमारे साथ रहा है। और मैं जब भी जहाजपुर का मन करता हूँ, 5 साल से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि निमित्त ही नहीं बन पाता था कि माँ के भगवान के दर्शन कर सकें, माता जी के दर्शन कर सकें, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। परंतु फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब तक भगवान का बुलावा नहीं होगा अपन कैसे चले जाएंगे। तो वो 5 साल से धीरे धीरे बीतते गए। हम जब यहाँ आए थे तो उस समय यहाँ कुछ नहीं था, भगवान जी का जो पुराना मंदिर वहाँ वो विराजमान थे और एक धर्मशाला थी संत निवास। लेकिन जब हम 5 साल बाद यहाँ आए तो हमारा मन गदगद हो गया और हमें बहुत अच्छा लगा और हम अब प्रयास करेंगे कि भगवान हमें हर साल बुलाएं, हम हर साल भगवान की और माता जी के दर्शन करने के लिए सब परिवार यहाँ आए। सबसे पहली बार आया हूँ जहाजपुर, यहाँ आके देखा, जितना मैंने जहाजपुर के बारे में सुना था उससे कई गुना मुझे यहाँ अच्छा देखने को मिला, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि मैं हर साल यहाँ आऊँ और साल में 2 बार आऊँ। श्रीमती माता जी की जय। यहाँ जगह जगह से भारतवर्ष से पधारे सभी सादर भी बंधुओं का, माताओं बहनों का, हम राजस्थान की धरा पर स्वागत करते हैं सरावक के निमित्त से। एवं जहाजपुर, कोई ऐसा लगता है कि जहाजपुर इस पृथ्वी पर नहीं है, किसी स्वर्ग लोक में बनाए जो अकृत्रिम चैताले वगैरह इस तरह होते हैं, उस तरह यहाँ की रचना हुई है। क्योंकि 2013 में हमारे परिवार जी गुवाहाटी से, हम चित्तौड़ से राजस्थान सब आते रहते, 2013 में जब माता जी का प्रथम चातुर्मास हुआ था उस समय गांव के मंदिर में आए थे और उस समय माता जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, हम सौभाग्यशाली रहे। और बीच बीच में कभी आते थे, आज जो आके हमें यहाँ की जो संरचना देख के, माता जी का जो प्रवचन सुन के एवं भगवान के दर्शन शांति धारा और अभिषेक करके जो अनुभव हो रहा है उनको शब्दों में बयान करना नामुमकिन है, असंभव है। फिर भी जो यहाँ की रचना माता जी के सानिध्य में, क्योंकि कोई अद्भुत देवों का आशीर्वाद है, देवों का सहयोग है माता जी के, माता जी जहाँ रहते हैं उनके आगे आगे देव और जो इंद्र वगैरह हैं वो चलते रहते हैं और अपने आप ही सर्व कार्य हो रहे हैं माता जी के आशीर्वाद से। और इतनी सुंदर रचना हुई है कि जिसका वर्णन करना आप सब अपने आंखों से देख रहे हैं। और ये रचना पूरे भारतवर्ष में दिगंबर जैन समाज के मंदिरों में, मैं जितना भी अभी इस उम्र में भ्रमण किया हूँ, मैंने आज तक ऐसा मंदिर पूरे भारतवर्ष में इतने सुंदर, इतनी व्यवस्थाएं और आगे की भविष्य की योजनाएं जो अभी सुनने में आई, वो सब सुन के बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमें माता जी के इन कालों, इस समय में हमें माता जी के दर्शन हो रहे हैं, उनका सानिध्य मिल रहा है और उनके माध्यम से, उनके निमित्त से जैन धर्म की इतनी प्रभावना हो रही है। बहुत बहुत
माता जी के चरणों में हम पूरा परिवार की तरफ से बारंबार वंदामी करते हैं, तो यही उम्मीद करते हैं माता जी हम इसी तरह भगवान के और आपके दर्शन करते हुए अपने पुण्य को बढ़ाते रहे और एक दिन अपने अंदर के दर्शन करके जिस तरह माता जी ने उद्बोधन में उदाहरण दिया, हम भी अपने अंदर के जो चित्र वो साफ करते रहें और अपने अंदर के दर्शन कर सके, ऐसी भावना के साथ बारंबार वंदामी माता जी। और वर्तमान में भोपाल निवास करता हूँ, काफी समय से इच्छा थी कि यहाँ दर्शन के लिए पधारूं। माता जी के प्रयासों से, परम प्रभु की कृपा से बहुत ही अद्भुत जिनालय का निर्माण हुआ है। जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, मैंने भी काफी जगह दर्शन किए हैं, उसका सौभाग्य मिला, लेकिन इस अद्भुत जिनालय को दर्शन करके अपने आप को धन्य पा रहा हूँ। मेरे माता पिता भी पूर्व में आ चुके हैं, मुझे ये पहली बार मौका मिला है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हर साल कम से कम एक बार स्वस्ति धाम जहाजपुर में दर्शनार्थ पधारूं। से इच्छा थी, करीब 5-6 साल से मैं बहुत आने का बोल रही थी, दर्शन करने जाऊं। भगवान के दर्शन करना था, माता जी के भी दर्शन करना था, पर निमित्त ऐसे कुछ बन नहीं रहे थे। आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं भगवान के भी दर्शन कर पाई और आपके भी दर्शन पाई और मेरा हृदय ऐसा गदगद हो गया है, अपूर्व शांति का अनुभव हो रहा है। अब मैं ऐसे भावना भाती हूँ कि मेरा ये जीवन संयम धारण करूँ मैं और मेरा जीवन सफल बनूं। पुकारे चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ स्वस्ति धाम जहाजपुर में। आने वाली 20 तारीख को परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनीय आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय प्रेरणा और सत्संग पावन सानिध्य में भूगर्भ से निकली सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए एक ही बहुत भव्य सरस्वती मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बंधुओं, अवसर आया है इस सरस्वती मंदिर में, जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने का और साथ ही से पुण्य बंद करने का। बंधुओं, एक ऐसी रचना पूज्य माता जी ने जहाजपुर में बनवाई है, जहाज मंदिर के रूप में, जो न भूतो न भविष्यति। साथ ही जहाज मंदिर के जस्ट पीछे बहुत ही सुंदर आकृति का एक सरस्वती मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 20 तारीख को है। आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक एक शिला लगा करके अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं, अपने द्रव्य का सदुपयोग कर सकते हैं, जिसमें शिलाएं इस प्रकार से हैं। रत्न शिला जिसकी न्योछावर राशि 51,000 रुपये, हीरक शिला न्योछावर राशि 31,000 रुपये, स्वर्ण शिला न्योछावर राशि 21,000 रुपये, रजत शिला 11,000 रुपये और ताम्रशिला 5,100 रुपये की राशि है। अपने शक्ति के अनुसार अपना द्रव्य लगाएं। बंधु, पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा सुबह 9:30 बजे से पारस चैनल पर। आप यहां आए, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप घर बैठे देखेंगे उस शिलान्यास समारोह को। ऐसा मौका मिला है इस अतिशय क्षेत्र पर, स्वस्ति धाम पर, जहाज मंदिर में और जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का। तो बंधुओं, ऐसा मौका मिला है, अपना द्रव्य लगाएं, साथ ही से पुण्य का संचय करें। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगा। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न, श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी,
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्धचक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।